वो शहरों की चकाचौंध भरी जिंदगी छोड़कर मध्य प्रदेश के एक आदिवासी गांव में पहुंचे और वहीं बस गए। किसी को पता नहीं चला कि आखिर वो हैं कौन। अब से करीब 3 महीने पहले पुलिस को शक हुआ, उसने पूछताछ की, तब पता चला कि आदिवासियों के बीच काम कर रहे आलोक सागर आईआईटी दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर हैं और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को भी वो पढ़ा चुके हैं। उलझे हुए बाल, बड़ी हुई सफेद दाढ़ी, शरीर पर घुटनों तक लंबी लुंगी और पैरों में टायर से बनी चप्पल, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के गांवों में घूम घूम कर पौधे लगाते और पानी देते इस शख्स को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये आईआईटी दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर आलोक सागर हैं, जिनके छात्रों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल हैं। 68 साल के आलोक सागर पिछले करीब 26 साल से बैतूल जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर आदिवासी गांव कोचा मऊ में रहकर समाज सेवा कर रहे हैं। हमारा तो एक ही सोच है कि इंसानों के बीच में किसी भी तरह की सोच, इंसानों के सोच से पैदा की हुई गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए। सामूहिक समस्याएं हैं, उनके बारे में विचार करके, तैयारी करके फिर प्रशासन से उसके बारे में कुछ रास्ता बनाया जाए। एक अनुमान के मुताबिक आलोक सागर अब तक बैतूल जिले में ही 50,000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगा चुके हैं। उनकी सीख का असर ये है कि गांव के बहुत सारे लोगों ने पेड़ काटने छोड़ दिए। हमारे आदिवासी समाज में तो हर घर में हर आदमी के नाम से कुल्हाड़ियां बनते हैं झाड़ काटने के लिए, तो मेरे नाम से कम 25-20 साल से तो कुल्हाड़ी चीज है ही नहीं है मैं स्वयं के नाम से। दिल्ली में जन्मे आलोक सागर ने आईआईटी दिल्ली से 1971 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और 1973 में एमटेक की डिग्री ली। इसके बाद वो अमेरिका चले गए और 1977 में ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत लौट आए और 1980 के दौरान आईआईटी दिल्ली में पढ़ाने का काम किया, लेकिन 1982 में उन्होंने आईआईटी से इस्तीफा दे दिया और समाज सेवा के काम में जुट गए। धीरे धीरे एक सोच बना के मुझे जिंदगी में कैसे चलना है और वो किस तरीके से चलना है, और वो तलाश करते करते यहाँ पहुँचा। मुझे लगा कि मैं कुछ एक सोच के हिसाब से एक मुकाम पर पहुँच गया हूँ, तो फिर मुझे उस रास्ते पर चलना था। आलोक सागर पुरानी जिंदगी के बारे में बात नहीं करते, यहाँ तक कि जिन लोगों के बीच वो 26 साल से रह रहे हैं उन्हें भी हाल तक उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आलोक का पूरा परिचय तब सामने आया जब मई 2016 में विधानसभा उपचुनाव के दौरान पुलिस ने उन्हें संदिग्ध मानते हुए इलाके से चले जाने को कहा। पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर जब आलोक सागर ने पुलिस को अपना पूरा परिचय दिया तो सब हैरान रह गए। आलोक सागर के पिता आईआरएस अफसर थे जिनका पिछले साल निधन हो गया। उनकी माँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में फिजिक्स की टीचर रह चुकी हैं। आलोक के भाई अंबुज सागर आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं। ऐसे परिवार से जुड़े आलोक का आदिवासियों के बीच उन्हीं की तरह रहकर समाज सेवा करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन वो खुद को किसी के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं मानते। उनका कहना है कि एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर सोचना ठीक नहीं। एक एक व्यक्ति के इर्द गिर्द तूल देने का पूरा दर्शन ही मतलब उसकी एक बहुत बड़ा औजार है गैर बराबरी को लाने का और कायम रखने का और उसको कामयाब करने का। हर एक व्यक्ति को स्वयं बनना है, कोई उसके लिए प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता। यह पूरा परिवेश उसके लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। मैं उसको एक छोटा सा टुकड़ा हूँ।